पूरा चांद आ गया यहाँ पे, पूरा चांद नीचे गिर गया ऊपर से, मुझे लगता है। स्टाइलिश छतरी पकड़ के निकली बाहर, भीग रही हो, भीगो मत। तो ये सारे टेंट है जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे लोग रात को स्टे करने के लिए आते हैं जब न्यू ईयर का टाइम होता है ना। ओ, एक कांटा वाला कैक्टस है, लेना है क्या घर ये? और फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये पूरी जमीन में चांद नीचे नीचे आ गया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स आज ना एक स्पेशल डे, आज एक्चुअली हमने जा रही है घूमने एक अच्छा सा और बढ़िया सा प्लेस, आप लोगों को ब्लॉग में से आगे में शेयर करती रहूंगी। सुनू का वो भी फेवरेट जगह है ना सुनू? हाँ। सुनू का फेवरेट इसलिए है, सो गाइस वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है करने के लिए, एडवेंचर है, तो सुनू आज जाके बहुत मस्ती करेगी। सो वो कौन से प्लेस है, सो गाइस आगे हम शेयर करते रहेंगे ब्लॉग में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो रही हूँ और ये देखिए मम्मी यहाँ पे रेडी हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं एक रिजॉर्ट जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, लाइक स्विमिंग पूल में खाना खाना, वाटर पार्क में घूमना, वहाँ पे ना ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक, ब्रेकफास्ट लेकर डिनर तक पूरा वहाँ पे ही हम खाएंगे और वहाँ पे खूब मज़ा है। और हम ना अभी 11 बजे 11:30 बजे हैं तो हम अभी जाएंगे, उसके बाद हम 11 बजे आएंगे वापस से, रात के 11 बजे, उसके बाद कल रक्षाबंधन है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं रिजॉर्ट पे। सो गाइस देखिए सुनिए, यहाँ पे मेरी मेकअप बॉक्स में अपना पाउडर यहाँ से निकाल के वार्डरोब से, ये वाली जो है ना ये मामा अर्थ का पाउडर सुनू की, लेकिन यहाँ से वो नहीं लेती है, मेरी मेकअप जब खत्म हो गया वहाँ पे खुद का पाउडर डाल के रखी है और मेरा ब्रश, और मेरी ब्रश लेके खुद लगा रही है। सुनो इट्स नॉट गुड, मेरे ब्रश इस्तेमाल मत करो। चलो चलो सुन बेटा जल्दी रेडी हो जाओ, चलो चलो चलते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे ग्राउंड नट बॉइल की थी कल, एक्चुअली मार्केट से लाई थी, तो हम अभी जा रही है ना बाहर, ये भी लेके जा रही है साथ, कहीं पे अगर बैठेंगे तो ग्राउंड नट भी खाने के लिए मौका मिल जाएगा। सो गाइस हमने अभी घर से निकल के आ गए हैं आधा रास्ता तक, हमको पहुँचते पहुँचते बज जाएगा 1:30 बजेगा ना सुनो। तो सुनो आज गाड़ी के पीछे बैठ के क्या खा रही है? चूड़ा। सुनो चूड़ा खा रही है, बिस्किट खा रही है, हमको नहीं दोगे? थैंक यू सुनो, ठीक है ठीक है तुम खा लेना, मामा को भूख नहीं है। फ्रेंड्स देखिए कितना बड़ा मॉन्स्टर लिजर्ड हमारे गाड़ी के सामने क्रॉस किया और इस झाड़ियों का अंदर चला गया। अच्छा तुम्हें बर्फ जैसे लग रहा है क्या? हाँ। और यहाँ पे सुनो देखो एक वाटरफॉल जैसे छोटा सा यहाँ पे वाटरफॉल है, देखा मैंने। आज बहुत मजा आने वाला है सुनो। हम रिजॉर्ट में क्या करेंगे? रिजॉर्ट में जो भी एक्टिविटी वगैरह रहेगा करोगे, जो भी एडवेंचर रहेंगे वो करेंगे। अच्छा तो हम कौन सा एक्टिविटी करेंगे? चलो देखते हैं, ठीक है ओके। खेती इधर है। वाह, और वो क्या है हॉट बैलून जैसा मामा? यहाँ पे कुछ तो हॉट बैलून लोग, ये मामा आ गए तुम्हारे लेक। वाह, सुनो थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे यार। ओ हॉट बैलून मुझे अच्छा लगा। कंट्रोल हवा जब गर्म होता है ना, लाइट हो जाता है, इसलिए वो ऊपर जाता है, इसलिए लोगों को भी ऊपर लेके चला जाता है, और उसको कंट्रोल करते जब हवा कम करते ठंडा हो जाता है फिर नीचे आ जाता है। बट वो कैसे हो सकता है, हमारे पास तो रिमोट नहीं है हवा को कंट्रोल करने। वो गैस को कंट्रोल करते ना, हवा को कंट्रोल करने के लिए है उनके पास है?
को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस फाइनल आके हमने अभी पहुंच गए हैं और वो जो सुंदर सा एक डैम है यहाँ पे, उसका नाम है पवना डैम, जो कि पुणे से 30 किलोमीटर दूर पे है। तो हमने 1 आवर लगा यहाँ पे पहुँचने के लिए। रोड तो बहुत अच्छा था, लेकिन बीच बीच में थोड़ा गांव वाली जो रोड था एकदम कर्व था, तो वो क्रॉस करके हमने आके अभी पहुंच गए पवना डैम में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को उसका भी व्यू दिखाते हैं पवना डैम का। और बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे गाड़ियाँ भी लगा हुआ है। और चलिए फ्रेंड्स वहाँ तक चलते हैं और आप लोगों को व्यू शेयर करते हैं। उस काफ़ी बढ़िया है उसका जो व्यू है, काफ़ी सुंदर, ये देख सकते हैं। तो गाइस देखिए हम कैसे हमारा गाड़ी को यहाँ पे रखे हैं, एकदम ढलान में है। तो अभी हम चलेंगे और 5 किलोमीटर्स दूर है, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप किए थे। यहाँ पे देखिए एकदम स्लोप है, डाउन में जा रही है गाड़ी। तो हम अभी जाएंगे गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ तक जाके पहुँचेंगे, और 5 किलोमीटर के बाद एग्जैक्टली नज़दीक में हम पहुँच जाएँगे डैम के पास। तो चलिए फिलहाल हमें गाड़ी में अभी बैठ जाते हैं। ये देखिए रोड कितना स्लोपिंग है। 734 सो गाइस देखिए कितना सुंदर सा व्यू है ना, मस्त है यहाँ पे। और एक जो ये जो दिख रहा है ना, 401 ना हैट जैसे, ये एक फोर्ट है। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट लॉन्च का टाइम है, तो पवना डैम के पास एक होटल है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। तो इसी रेस्टोरेंट पे हम आए हैं अभी लॉन्च करने के लिए, क्योंकि पापा जी को तेज़ भूख लग रही है। तो चलो फ्रेंड्स अभी लॉन्च करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे पूरा व्यू पॉइंट देखेंगे और जो पानी के पास भी जाएंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर अभी लॉन्च कर लेते हैं। तो इधर सुनको गर्मी लग रही है ना, इसलिए टूली बांध ली है ना, वो नहीं आराम से भी आराम से। सो गाइस आज खाने के लिए हमने मंगवाया है भाकरी, पहली बार हमने खा रहे हैं महाराष्ट्र की। इतना बड़ा भाकरी जवार भी। सुनो आज भाकरी खाओगे ना? भाकरी देखो टेस्ट नहीं लग रहा तो मैं सुनो मक्खी भाकरी खाओगे? सुनो मेरे खाने में ही बैठ जाता और किसी के खाने में ही बैठ। तुम भाकरी टेस्ट करो ना, ला रिपीट कर दिया यदि ना ले तब को तो कर लेंगे। भाकरी खाते चिकन की करी सुनो साइड ना, खा लिया मजा आया। सो गाइस यहाँ पे जो एक रास्ता दिख रही है ना मिट्टी वाले रोड, इसी रोड पे ही हमको जाके डैम के पास पहुंचना रहेगा। और वहाँ पे एडवेंचर वगैरह सब कुछ आज बंद करके रखे हैं, क्योंकि तेज बारिश हो रही है, इसलिए आज एडवेंचर वगैरह कुछ हो नहीं पाएगा। तो चलिए फ्रेंड गाड़ी लेके चलते। सो गाइस यहाँ पे भी वो डैम के पास ना बोटिंग वगैरह हो रही है, हमको वहाँ पे बोले है, लेकिन यहाँ पे ना चल के जाना पॉसिबल हो नहीं, बहुत दूर लग रही है, इसलिए हमने जा रहे गाड़ी लेके वो नज़दीक तक जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे गाड़ी है, उसको लेके फिर चलेंगे। सो गाइस फाइनली हमने तो डैम के पास आ गए, जैसे ही हमने डैम के पास जाने वाले थे देखिए कितना तेज बारिश हो रही है। ये अभी हमने गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए पापा जी का मूड ऑफ हो गया, जा नहीं पा रहे। देखिए इधर से भी बारिश है, फिर अभी धूप आने लगे, थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो जाएगा, फिर हम कार से बाहर निकलेंगे। गाइस फाइनली हमने अभी कार से बाहर निकले हैं, बारिश हो रही है फिर भी सबका हाथ में एक छतरी है। और यहाँ पे सुनवी स्टाइलिश छतरी पकड़ के निकली बाहर। भीग रही हो, भीगो मत। और ये रहा नज़दीक व्यू पवना डैम, हम एकदम नज़दीक के आ गए हैं। यहाँ पे सुनो पापा जा रहे हैं पानी के, लेकिन तेज बारिश हो रही है, हम लोग जा नहीं पाएंगे वहाँ तक लग रही है, तो इसलिए मैं यहाँ से आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे और भी लोग आए हैं देखने के लिए। तो ये सारे टेंट है जो दिख रहा है ब्लैक, यहाँ पे लोग रात को स्टे करने के लिए आते हैं, जब न्यू ईयर का टाइम होता है ना टाइम पे। ये रहा 360 व्यू। एक कांटा वाला कैक्टस है, लेना है क्या घर ये? यहाँ पे देखो कैक्टस है, नहीं छूना है उसको, हाथ कट जाएगा। देखिए यहाँ पे भी है,
बारिश ही हो रही है, जो छाता पकड़ के हमने घूम के यहाँ तक आ गए पानी के पास, और बोटिंग भी हो रही है लेकिन बारिश के वजह से वो बोटिंग बंद कर रखे हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये पूरी जमीन में चांद नीचे नीचे आ गया, ये देखिए नीचे ब्लैक वाला पूरा चांद आ गया यहाँ पे, पूरा चांद नीचे गिर गया ऊपर से, मुझे लगता है चांद ऊपर से नीचे गिर गया। हाँ देखो चांद रहता है। हाँ अच्छा, क्योंकि चांद में ऐसे छोटे छोटे सर्कल भी रहते हैं। सो गाइस हमने जो दूसरा पॉइंट आए थे उसका व्यू भी बहुत बढ़िया, एकदम ब्यूटीफुल है नेचर, देखिए कितना ग्रीनरी है हर जगह पे। ये रहा मेरा 360 में। सो गाइस जो ये डैम का पानी है ना वहाँ तक भी जाते हैं लोग देखने। यहाँ पे बादल में एकदम भरा हुआ है और सनसेट होने आ रही है, अभी लगभग 5 o'clock होने वाली, तो कुछ लोग गाड़ियाँ लेके वहाँ तक भी गए, लेकिन फिलहाल गाइस हमने वो ऊपर तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमको डर लगता है कहीं गाड़ी ना फंस जाए रास्ते में, तो सेफ्टी का भी हमने प्रायोरिटी रखना चाहिए, बच्चा भी है हमारे साथ। तो गाइस यहाँ से ही हमने रिटर्न जाते हैं। सो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते और एक शानदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।